हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल सह प्रमंडलीय अस्पताल की लगातार गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने गुरुवार को HMCH के अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार के कार्यालय कक्ष में उनसे और उपाधीक्षक डॉ. A.K. सिंह से विशेष मुलाकात कर कई सवाल किए। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अस्पताल परिसर के आपातकालीन सेवाओं से संबंधित प्रसूति कक्ष, सहवार्ड और ट्रामा सेंटर जैसे संवेदनशील जगहों पर रात्रि में बिजली के अभाव में अंधकार में रहने, बिना कारण के लगातार मरीजों को यहां से रिम्स रेफर करने, रात्रि में जांच घर का कार्य पूर्णतः बाधित रहने, ड्यूटी आवर में चिकित्सकों के फरार रहने और उनकी मनमानी होने, लेबर वार्ड में मरीज के पुरुष परिजनों का जमावड़ा लगे रहने, अस्पताल परिसर में दलालों का पुनः सक्रियता बढ़ने, मुर्दा घर की चाबी अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं रहने, मुर्दा घर का मॉर्चरी चालू नहीं होने, आर्थोपेडिक और लेबर रूम में चिकित्सकों की मनमानी के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रखते हुए प्रबंधन द्वारा इस पर तत्काल जनहित और मरीजों के हित में सुधार करने की मांग की है। देखिए, अस्पताल जहाँ से शुरू हुआ था सदर अस्पताल और आज HMCH में कन्वर्ट हुआ है, तो स्थिति सुधरनी चाहिए थी, सुधरी भी है, लेकिन व्यवस्था के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ जो है बिगड़ भी गया है। दलाली वापस चरम पर है। रेफरल का सबसे बड़ा समस्या है कि डॉक्टर्स अटेंड नहीं करना चाहते, छोटी छोटी चीज़ों पर जो है रांची रेफर करते, तो टेक्निकल ग्राउंड इनके पास होता है। उदाहरण है कि अभी दो दिन पहले एक महिला को डिलीवरी के नाम पर रेफर किया गया, उसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, उसको यहाँ से ये कह के भेजा गया कि भाई अगर ब्लड मिल नहीं रहा है तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो हम लोग हेल्प नहीं कर सकेंगे। वो महिला रांची गई और उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो ये जो बहानेबाजी है इनका, ये बहुत चरम पर है। बिजली का समस्या है आपको यहाँ पे, एम्बुलेंसेस की समस्या है यहाँ पे, आपके जो मॉर्चरी है उसका प्रॉब्लम है। तो उसी सब मैटर्स को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया और एक उनसे आग्रह किया है कि उन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुधारने का प्रयास करें। कुछ तो तकलीफ है मैन पावर को लेकर के, लेकिन बहुत सारा चीज़ मैनेजमेंट को लेकर के है। हम उम्मीद करेंगे, देखिए अगर इन लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं नहीं तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।